सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ मेरे टॉप 8 मोस्ट फेवरेट आर्टवर्क जो कि मैंने 1 या 1.5 साल में करीब बनाए हैं। तो उस समय मैंने ज़्यादा कोई ड्राइंग नहीं बनाया, पर फिर भी कुछ ऐसे ड्राइंग्स हैं जो मेरे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, और जो इम्प्रूवमेंट देखा है मैंने तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। उससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ, मुझे क्या मिला? ड्राइंग में आपको दिखाने वाला हूँ जो मेरे लिए इमोशनली कनेक्ट है मुझसे, जो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो मुझसे इमोशनली कनेक्ट है, और कुछ ड्राइंग में आपको इसलिए दिखाने वाला हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है इसलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं एक एक करके आपको ड्राइंग्स दिखाता हूँ। और हाँ, अगर आपने मेरा फेलियर वाला वीडियो नहीं दिखा है जहाँ पर मैंने अपने सारे के सारे फेलियर आर्टवर्क्स दिखाए हैं, वो ज़रूर से देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मुँह दिखाई की रस्म स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला ड्राइंग मैंने बनाया था जब आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हुई थी, तब मेरे 12th के बोर्ड्स आ रहे थे, तो इसलिए कुछ कुछ ड्राइंग में मेरे थोड़ी थोड़ी कहानी भी बता दूंगा कि इस ड्राइंग की क्या जर्नी रही है। तो इस ड्राइंग को बनाने में मैंने पूरा एकदम डेडिकेशन से बनाया था, पर यहाँ से यहाँ तक ही बनाया था डेडिकेशन से, उसके बाद मैंने ये सब कुछ जल्दी जल्दी बनाया। ये कुछ बनाने में जो काफ़ी टाइम लगा दिख रहा है आपको, शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है और ये थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा नहीं है, और इसमें डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है, पर फिर भी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये पार्ट भी अच्छा है, इसलिए मुझे ये ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये उनकी शादी जब हुई थी तब मैंने बनाया था, तो ये ड्राइंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और तब मैं अच्छे से नहीं बना पाया था, तो डिटेलिंग अच्छे से नहीं कर पाया था क्योंकि एग्ज़ाम्स थे। उफ़, ये एग्ज़ाम्स भी ना, तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो ये है सेकेंड वाला जहाँ पर मैंने कलर से बनाया था। ये मेरा सबसे पसंदीदा कलर वाला ड्राइंग है क्योंकि आज तक मैंने कोई भी अच्छे से कलर ड्राइंग नहीं बनाया है, और मुझे कभी भी कलर ड्राइंग पसंद भी नहीं आते, और मेरे कलर ड्राइंग्स पसंद नहीं आते मुझे। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, शायद पिछले साल का है, जब स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 3 मैंने देखा था तब ये बनाया था, तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और इसको मैंने ऑयल पेस्टल से बनाया था। ये वाला शायद आपने वीडियो में देखा होगा, इसका वीडियो टाइम लैप्स ट्यूटोरियल सब कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो इसका ट्यूटोरियल या टाइम लैप्स जो भी आपको देखना है। तो ये मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि ये मुझे अच्छे से बनाया था, काफ़ी ज़रा डिटेल वो क्या, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़रा डिटेलिंग में है ये सब, आप देख सकते हो जैसे, तो काफ़ी ज़रा मुझे अच्छा लगा ये बना के, और काफ़ी लगन से बनाया था, काफ़ी ज़रा अच्छे से बनाया था मैंने। तो ये है मेरा एक जो कि मेरा काफ़ी ज़रा फेवरेट आर्टवर्क है और मुझे पसंद है। ये मैंने बनाया था करीब नवंबर में 2021 को, तो ये करीब करीब 9-10 महीने हो गए इसको, या करीब करीब 1 साल ही हो गया इसको बनाते हुए, पर ये अब भी मेरा फेवरेट आर्टवर्क है क्योंकि इन जिनको मैंने बनाया है उनको मैंने दिखाने का बहुत ज़्यादा ट्राई किया। ये एक सेलिब्रिटी है, होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कौन है। तो ये मैंने इंस्टाग्राम पे जब मैंने पोस्ट किया था तब उन्होंने नहीं देखा, जब मैंने रीपोस्ट दोबारा किया तब देख लिया, जब उन्होंने देखा तब भाई साहब खुशी का ठिकाना नहीं था। तो ये तब से मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट आर्टवर्क बन चुका है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये वाला, और उन्होंने अपने स्टोरी में भी शेयर किया था, आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हो, फॉलो भी कर लेना, ठीक है? कोई तरीका है भीख मांगने का? तो ये मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट आर्टवर्क है। ये वाला मैंने रिसेंटली बनाया था, मतलब 2-3 महीने पहले शायद, हाँ 2-3 महीने मेरे पहले बनाया था मैंने ये वाला। तो ये वाला कुछ पेपर मुझे ठीक नहीं लगा, फिर भी मैंने काफ़ी ज़रा अच्छे से बनाने की कोशिश की है। तो ये वाला फुल ग्रेफाइट में है, पेपर में देखिए कितने अच्छे से मैंने डार्क डार्क करके करने की कोशिश की थी, पर इतने ज़्यादा अच्छे से डार्क नहीं हुआ, पता नहीं पेपर में कुछ डिफॉल्ट था, पर फिर भी ये मैंने काफ़ी अच्छे से बनाने की कोशिश की है, और इसका वीडियो भी आपको अवेलेबल है, आप चैनल पर जाकर देख लेना, बार बार नहीं बोलूँगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, और इस पे ट्रिगर इंसान ने कमेंट किया है, तो इन्होंने खुद कमेंट किया है, तब मुझे भाई क्या खुशी मिली। तो ये सब भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। तो ये तब से मेरा काफ़ी फेवरेट बन चुका है, पहले इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, पर जब उन्होंने कमेंट किया तब से मेरा पूरा फेवरेट बन चुका है ये। तो ये एक है, ये वाला मैंने कुछ दिनों पहले ही बनाया था, तो ये फुल ग्रेफाइट में है, तो देखिए काफ़ी ज़रा डार्क इफेक्ट मुझे मिला, तो सिर्फ ग्रेफाइट से इतना ज़्यादा डार्क इफेक्ट लाना, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हाँ,
इसलिए मुझे ये ड्राइंग ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा ये ड्राइंग, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये ड्राइंग। इस ड्राइंग में के बारे में कोई कहानी नहीं है, क्योंकि ये ड्राइंग मुझे सिर्फ पसंद है और मुझे अच्छा लगा। ये वाला मैंने फुल चारकोल से बनाया था, तो इसको बनाने में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाया कि मैंने ये इतना ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा, इतना ज़्यादा ये करूंगा, मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं लगाया, बस बनाते चला। जब मैंने इसका जब विक्रम वेदा का पहला पोस्टर आया था तब मैंने इसको बनाया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये बना के। और जो सिर्फ चारकोल का मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर देखिए सिर्फ चारकोल का यूज़ किया है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट जेल पेन का यूज़ हुआ है, बस इतना ही। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है अभी भी, पता नहीं। जो लास्ट ड्राइंग है वो ऑल टाइम फेवरेट बन चुका है मेरा, जो कि है ये भाई। इसमें जो मतलब एक्यूरेसी आई है और जो शेडिंग वाला टेक्सचर है ना, वो अलग ही लेवल का है। वो हेयर्स देखिए, वो जो स्किन का टेक्सचर देखिए, जो डिटेलिंग देखिए, बस इस पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ लगी मुझे, बाकी सब फेस का डिटेलिंग जो है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जो शेडिंग वाला पार्ट है स्पेशली, एक्यूरेसी की बात ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करता है, कभी 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 ख़राब भी हो जाता है, पर शेडिंग वाला जो पार्ट है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय भी किया था मैंने। तो ये वाला मेरा लास्ट ड्राइंग था, और इतने ही कुछ ड्राइंग मैंने आपको दिखाए, बाकी सब मुझे इतना पसंद नहीं है, पसंद है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ये मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट है अभी तक, अभी तक जितने मैं ड्राइंग बनाया ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो होप आप सबको मेरा सारा ड्राइंग्स पसंद आए होंगे, जो कुछ इतने सारे हैं, और मैक्सिमम का वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।